जय हिंद, जय भारत दोस्तों। वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास ट्वेल्थ की केस बेस्ड स्टडी एग्जाम सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम डेली 6 बजे एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आपके साथ प्रैक्टिस करते हैं कि सर बोर्ड एग्जाम टर्म वन की तैयारी हमारी खूबसूरत तरीके से हो जाए। फटाफट पेपर और पेन या कॉपी और पेन निकालें, क्योंकि बहुत अनिवार्य है, और शुरू हो जाए मेरे साथ। जहां पर आज का क्वेश्चन है सर, प्रीतम, अभी एंड राखी 3 पार्टनर हैं सर, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। हर दिन की तरह सबसे पहले हमारा काम क्या होता है सर? इंफॉर्मेशन को लिखना। तो प्रीतम, राखी, नहीं अभी पहले, राखी बाद में, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी प्रॉफिट शेयरिंग की वजह से। प्रीतम, अभी और राखी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है सर इनका 5:3:2। Due to compelling circumstances, the desire to share future profits and losses equally with effect from 1st April 2021, मतलब अब ये वाला सर क्या बन जाएगा? Old ratio, और जो नया वाला आएगा वो बन जाएगा 1:1:1। हर बार क्वेश्चन की शुरुआत आप देख रहे होंगे एक जैसी है, बट आगे के जो केसेस पूछेगा वो अलग अलग टाइप के हैं। यहाँ पर सर एसेट्स और लाइबिलिटीज को इन्होंने रिवैल्यू किया और रीअसेस्ट किया, जिसकी वजह से रिवैल्यूएशन का क्रेडिट बैलेंस बोल रहा है 50,000 रुपये। कोई मुझे बता सकता है रिवैल्यूएशन का क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट या लॉस? कई बच्चों को उसमें डाउट होता है सर, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट तो इस तरफ होता है या क्रेडिट बैलेंस बोल रहा है? बेटा ये बैलेंस क्रेडिट है, मतलब क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, डेबिट का टोटल कम है। दिखेगा आपको डेबिट साइड, टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल बीस कैपिटल सी इस कैपिटल, सही बोल रहा हूँ क्या मैं? हाँ, बट इस बैलेंस को हम रिवैल्यूएशन का क्रेडिट बैलेंस या रिवैल्यूएशन प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। इसकी वैल्यू है सर 50,000 रुपए। आफ्टर दैट सर, बैलेंस शीट है जो फर्म की, उसमें गुडविल दिख रही है 60,000 रुपए की, और गुडविल ऑफ द फर्म दिख रही है 9,00,000 रुपए की। दो तरीके की गुडविल आ गई सर। के नोट्स में ये बात पता थी कि इसको वाली को हम बैलेंस शीट वाली गुडविल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बारे में लिखा है, ध्यान से पढ़ना, द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म बिफोर चेंज इन, बैलेंस शीट में पड़ी हुई है गुडविल। गुडविल बैलेंस शीट वाली, एसेट्स वाली 60,000, ये राइट ऑफ होती है ओल्ड रेशियो में, आपको पता होना चाहिए। और जो गुडविल ऑफ द फर्म है, जिससे नया पार्टनर पैसा लेकर आता था वैल्यूड गुडविल पर, वो है आपकी 9,00,000 रुपए की। सारी काम की बातें हमने अब तक लिख ली है, और इन्हीं से अब हमसे क्वेश्चन पूछेगा। एग्जाम में भी आप ऐसी आदत बनाओगे तो मुझे नहीं लगता समय लगेगा, बस एक बार समय लग रहा है, आदत बन गई तो एग्जाम में आंसर बिल्कुल सही आएगा 100%। केस स्टडी बेस्ड का कभी आंसर गलत नहीं आएगा अगर आप ऐसे करना जानते हो। ध्यान से पढ़ना, बस आसान क्वेश्चन पूछ रहा है। पॉइंट नंबर 1 पूछ रहा है सर, गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर। इस गुडविल के बारे में बात कर रहा है ना, हमें कुछ नहीं देखना। गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर का क्या होगा? 4 ऑप्शन दे रहा है। Will be debited to partners capital account in 5:3:2 इस वाले रेशियो में, Will be debited to partners capital in equal ratio, Will be debited to partners capital in gaining or be sacrificing, सर गेनिंग और सैक्रीफाइसिंग में एडजस्ट होती थी, जहाँ एक पार्टनर डेबिट एक पार्टनर क्रेडिट होता था, और विल बी कैरी फॉरवर्ड इन द सेम वैल्यू। तो बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि सामने एक और नई गुडविल खड़ी हुई है, इसको हमें डेबिट कर देना चाहिए नए पार्टनर्स पुराने पार्टनर्स के पुराने रेशियो में। सर पार्टनर तो पुराने ही है, बस चेंज की वजह से रेशियो चेंज हुआ है, तो मैं पुराने पार्टनर्स के पुराने रेशियो में इसको डाल देना चाहिए। तो फर्स्ट का आंसर होगा आपका ए। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, मैंने तो आपको जनरल एंट्रीज पहले ही बता दी थी कि तीनों पार्टनर डेबिट होंगे 5:3:2 में, और गुडविल क्रिएट होगी, विल बी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई मुझे जनरल एंट्री बता सकता है बच्चा, शायद काम में आ जाए आपके? सर प्रीतम डेबिट, अभी डेबिट, राखी डेबिट टू गुडविल, और रेशियो यूज होगा 5:3:2, 1:1:1 का कोई भी काम नहीं, क्योंकि पुरानी है गुडविल, पुरानी है पार्टनर, तो रेशियो भी पुराना होना चाहिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन 5:3:2, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। क्या आपको लगता है बहुत ज्यादा कठिन है? मुझे लगता है बहुत ज्यादा सरल है। पॉइंट नंबर 2 देखना क्या है, अकाउंटिंग एंट्री ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल इन द बुक्स इज रिटन ऑफ। क्या बात करी, अभी हमने पढ़ा और अभी समझ लिया कि सर इसकी रिटन ऑफ की एंट्री क्या होगी। अगेन 4 ऑप्शन है आपके पास। पहले वाले ऑप्शन में प्रीतम कैपिटल को डेबिट कर रहा है, अभी की कैपिटल को भी डेबिट कर रहा है, और राखी की कैपिटल को भी डेबिट कर रहा है, गुडविल को क्रेडिट कर रहा है। पर ऑप्शन में जो ऑप्शन है वो है 30,000, 18,000, 12,000। हमें ऑप्शन से मतलब नहीं है, हम गुडविल की 60,000 रुपए की गुडविल को 5:3:2 में बांटेंगे। तो ये आएगा आपका 30,000 रुपए,
देन 3/10 से सारा वही ओल्ड रेशियो चल रहा है, बाकी किसी से मतलब नहीं। ये आएगा सर 18,000 और 60,000 इंटू 2/10, ये आएगा आपका 12,000। अकाउंटिंग एंट्री बनानी नहीं है, बस यहाँ पर टिक करना है। तो यहाँ अगेन सेकंड वाले का पॉइंट नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जहाँ दिख रहा है आपको 30,000 से प्रीतम की कैपिटल डेबिट होगी। सर पहले वाले पार्टनर का नाम प्रीतम है, दूसरे वाले पार्टनर का नाम अभी है उसके 18,000 रुपये से, और तीसरे वाले पार्टनर का नाम राखी है। बाकी तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, उनका काम क्या, देखो प्रीतम की कैपिटल तो 30 से कर रहा है अभी, और राखी की 15-15 से कर रहा है, गलत है। प्रीतम की कैपिटल 20-20-20 तीनों से कर रहा है, ये भी गलत है। प्रीतम की 12 से, अभी की 18 से, और राखी की 30 से, ये भी गलत है। क्योंकि हम तो आंसर जानते हैं, हमें ऑप्शन से कोई मतलब है ही नहीं, बस ऑप्शन हमें सही दिख जाएगा, हमें तीन ऑप्शन का भी दिखेंगे नहीं। इस वे में पढ़ाई करोगे तो कोई भी आंसर गलत नहीं आएगा, 40 out of 40 पक्के है मेरी जान। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, द अकाउंटिंग एंट्री टू गिव द इफेक्ट टू न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल। ये वाली इसकी बात खत्म हो गया। ये नई वैल्यू जो है गुडविल की 9,00,000 रुपए की, उसकी अकाउंटिंग एंट्री बताओ, गिव द इफेक्ट, ध्यान देना इस बात पर। गिव द इफेक्ट का मतलब होता है एडजस्टमेंट एंट्री पास करना, इनके चेंज होने की वजह से कोई पार्टनर ने गेन किया और कोई पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया, गेनिंग को डेबिट कर दें, सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट कर दें। सर कहाँ पढ़ा था ये, डीके गोयल सर की बुक से, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 35 तक सारे क्वेश्चन यही थे। फटाफट से शुरू कर लें। सबसे पहले सर हम फॉर्मूला लगा रहे हैं क्या, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू। सर हम गेनिंग का लगाएं न्यू माइनस ओल्ड, कोई भी दिक्कत नहीं है, मुझे आदत है सेक्रीफाइसिंग की। तीनों के नाम लिख लो इज्जत से, प्रीतम सेक्रीफाइस, जो प्लस में आएगा वो सेक्रीफाइस, जो माइनस में आएगा वो गेन। इधर अभी सेक्रीफाइस और इधर राखी सेक्रीफाइस। ओल्ड रेशियो क्या सर, 5/10, 3/10 और 2/10, माइनस 1/3 और 1/3। फटाफट से बच्चे कैलकुलेट करेंगे, साथ साथ मेरे संग कर रहे होगे आप लोग भी, मजाक नहीं कर रहे होगे। 3/5 = 15 और माइनस 10, 15 में से 10 गए आगे सर 5/30, प्लस में आंसर आ रहा है तो सर सेक्रीफाइस। 3/3 = 9, 9 में से 10 गए माइनस का 1/30 सर गेन। 3/2 = 6, 6 में से 10 गए माइनस का 4/30, तो सर 5/30 से सेक्रीफाइस है, 1/30 4/30 से गेन है। बहुत सिंपल सा है सर, हमें पता ही था अगर एक सेक्रीफाइस कर रहा है तो अदर वाले गेन करेंगे। हमें करना क्या है सर, जो भी देखो इस केस में, हमेशा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये क्वेश्चन आपका बेहद सरल है, आप इसमें कोई रेशियो वगैरह कैलकुलेट मत करो, जैसे ये टुकड़े दिए उसका इंटू कर दो इस वाली वैल्यू में। दैट मीन्स हमारे जो प्रीतम भैया हैं, ये प्रीतम भैया होंगे सर क्रेडिट, प्रीतम होगा आपका क्रेडिट, प्रीतम्स कैपिटल अकाउंट। क्यों क्रेडिट होगा, क्योंकि ये सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इज ऑलवेज क्रेडिट। कितने से, 9,00,000 रुपए का इंटू करेंगे 5/30 का। सर 60,000 का क्यों नहीं, क्योंकि सर हमेशा गुडविल इस वैल्यू को हम एडजस्ट कराते हैं, उसका तो रिटर्न ऑफ हो गया, खेल खत्म हो गया उसका दोस्त। ओके सर, तो 9,00,000 रुपए का 5/30 कर मुझे कौन बताएगा, 30 से 30 कट गया 90, और आपका 45,000 रुपये आना चाहिए, नहीं नहीं 3/3 = 50, हाँ 1.5 लाख रुपये से प्रीतम की कैपिटल जो होगी वो होगी क्रेडिट, देन 30 × 4 = 120, अभी राखी की होगी डेबिट 1,20,000 से, और अभी की होगी आपकी अगेन क्रेडिट 30,000 से, तो 1,20 से ये होगी सर, दिख रहा होगा आपको थोड़ा सा, और 30,000 से ये होगी सर। तो अभी जहां पर 30 से डेबिट है राखी, जहां पर 1,20 से डेबिट है, और प्रीतम जहां 1.5 लाख से क्रेडिट है, ऐसा सर ऑप्शन वन तो नहीं है बट ऑप्शन बी है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। थर्ड का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। यहां पर सी और डी को देखने की कोई जरूरत नहीं है, चाहो तो देख लो, प्रीतम कैपिटल डेबिट हो रहा है और अभी की कैपिटल डेबिट हो रही, दोनों ही गलत है, 1.5 लाख रुपए से डेबिट हो रही है। फोर्थ वाले में तो अकाउंटिंग एंट्री बताओ रिवेल्यूशन प्रॉफिट और लॉस की, जो रिवेल्यूशन प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा मैं दिखा रहा हूं आपको, द नेट रिजल्ट ऑफ रिवेल्यूशन और इस क्रेडिट बैलेंस ऑफ 50,000 रुपए, ये वाले की बात कर रहा है, इसका क्या होगा। सर रिवेल्यूशन प्रॉफिट की वजह से पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होते हैं और ओल्ड रेशियो में होते हैं, तो 50,000 रुपए के रिवेल्यूशन प्रॉफिट को हम लोग ऐसे एंट्री करेंगे कि रिवेल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा 50,000 से और तीनों पार्टनर क्रेडिट होंगे, दैट इज प्रीतम अभी और राखी, 50,000 रुपए से
इसमें बांटना, ओल्ड रेशियो और नए रेशियो का कोई भी काम नहीं है, वो नया प्रॉफिट कुछ देता तो काम में आता। तो सर 50,000 का 5/10 करेंगे तो ये आएगा 25,000 रुपये, 50,000 का 5/10 सिर्फ एडजस्टमेंट और जनरल एंट्री कर रहा हूँ रिवेल्यूशन प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। देन 15,000 को करेंगे हम लोग अभी को और 10,000 को करेंगे हम लोग राखी को। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सिंपल जनरल एंट्री पूछ रहा है, बहुत सिंपल सिंपल एडजस्टमेंट पूछ रहा है, बट सिंपल है दैट डजंट मीन वो नहीं आएगा, वो भी आ सकता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक जरूर कर देना, कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करना, और कुछ बहुत बेहतरीन समझ में आया हो तो कमेंट कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके के बेहतरीन केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू आपको डेली डेली 6 बजे मिला करेंगे, एज वेल एज आपको खुद की प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप हमारा 199 रुपीज का कोर्स परचेज कर लो जीनियस ऑफ कॉमर्स ऐप डाउनलोड करके, जहां पर आपको अकाउंट्स के बहुत सारे असर्शन रीजन, पिक द ऑड वन आउट, थ्योरी प्रैक्टिकल केस स्टडी बेस्ड के सारा कंपाइलेशन तय है, और लास्ट में आपको 5 सैंपल पेपर मिल रहे हैं जो कि 5 दिन की तैयारी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। सारे के सारे चैप्टर कवर कराए जा रहे हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस, अगर आपको उससे रिलेटेड डाउट भी हो रहा है तो मैं डेली 5 से 6 बजे के बीच में आपके डाउट लेता हूँ व्हाट्सएप पर 7906786321 पर। अभी अगर आप 30 नवंबर से पहले परचेज करते हैं इस कोर्स को तो आपको बिजनेस स्टडी का कोर्स संग में फ्री मिलेगा, जो कि अगेन एमसीक्यू बेस्ड है फॉर टर्म 1 एग्जाम। तो आपसे यही है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के संग शेयर जरूर कर लेना, और ऐसे अमेजिंग वीडियोज के लिए और ऐसी अमेजिंग एमसीक्यू सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। Be happy always.